हमारा सम्मू भी गार्डनिंग में लगेगा फिर धीरे धीरे। वो देखो पानी दे रहा है। ओके हाय फाय बाय बाय। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल इट्स आज बोर्ड ब्लॉग। एक नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। अभी हो रहा है आफ्टरनून, हमने दिन का खाना पीना खा लिया है तो आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। आज मम्मी और जाने वाले हैं ज्योति के घर भिटोई देने के लिए, तो जब जाएंगे आपको तो भी दिखाते हैं। पहले हम मार्केट जा रहे हैं मम्मी और मैं सामान लेने के लिए, ज्योति के लिए कुछ छूट गया था थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह लेने के लिए, तो चलते हैं पहले वो लेके आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हमारा सम्मू भी गार्डनिंग में लगेगा फिर धीरे धीरे। वो देखो पानी दे रहा है। आप एक बार पौधों को भिगा रहे हो, एक बार मुझे, एक बार कुर्सी को, क्यों भाई? ये तो कल लग गया था, आज ये पन्ना लग गया। और ये जो शीट लगा रखी इसलिए भी अच्छी है हमारे लिए, हम छत पे ही वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो कपड़े धो सकते हैं और छांव में रह सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई की गर्मी, अभी तो फिर भी इतनी गर्मी नहीं है, हवा है सब चीज़, पर जून जुलाई की जो गर्मी होती है उससे बचने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। और बरसात में भी इसके नीचे बैठ जाओ तो बारिश नहीं लगेगी। अभी पापा और ने नहीं भी मंगा रखे होंगे, कम से कम बहुत सारे गमले मंगा रखे छोटे बड़े साइज के। यहाँ पे पापा खाद भी लेके आ रखे हैं खूब सारी, मतलब फुल केयर। मम्मी को भी पसंद है गार्डनिंग वगैरह करना, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये चीजें, बट ये है कि देख के ना बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन, और सुबह सुबह तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे छत पे आना। हम नहीं आते हैं लेकिन पापा बताते हैं, वैसे अच्छा भी होता है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं ना वहाँ सुबह सुबह आना भी अच्छा होता है, मतलब ठंडा ठंडा ठंडी हवा आती है उनको देख के ना फ्रेश फ्रेश फील होता है, ग्रीन ग्रीन सब चीज़ ग्रीन हो। और मम्मी जो चीज़ें लगाती है वो फल भी जाते, कहते हैं ना किसी किसी का लगाया फलता नहीं है, बट मम्मी की लगाई चीज़ें फल जाती है। तो इनमें छोटे छोटे पौधे देखो कितने बड़े हो गए आज, अभी और लगेंगे। वहाँ पर पापा ने और रख रखा सामान, इतने सारे पापा ने गमले मंगा रखे हैं, खाद सब चीज़ मंगा रखे हैं, अभी वो भी लगाने हैं, शायद उस साइड लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये भी पता, खूब सारे बीज ला रखे हैं। तो आज एक नई चीज़ ली है पापा को ना, ढोलक चाहिए था काफ़ी टाइम से, तो आज हमने ढोलक लिया मम्मी ने पापा के लिए। बजाओ ये पुजारी लोग, नहीं नहीं पुजारी लोग तीनों बैठ गए। बस तो हमारे छत पे कनेक्शन नहीं था, तो कनेक्शन लग रहा है बिजली का, क्योंकि छत पे होल्डर वगैरह ना वो नहीं था कुछ भी, तो यहीं पे यहाँ की फिटिंग हो रही है नीचे। चाय बैठे दीपू तो आज भाभी पार्टी देने वाली, पिज्जा पार्टी मुझे।
और जो कि ये झूठ बोल रही है यार, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। तो यहाँ पे नेट लगवाया है ताकि ना कबूतर ना आ जाए, कबूतर आके ना बहुत गंदगी कर देते, तो यहाँ पे नेट भी लगवाया। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो आज ही लग रही है सीढ़ियाँ हमारे यहाँ पे ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक, मतलब हमारे यहाँ पे ही नहीं लगी थी वह छत में जाने के रास्ते, तो आज ही सीढ़ियाँ भी लग रही है। जाइए दीपिका की बुक्स जो कि 11th क्लास की है। एक ही दिन में आज इतने सारे काम हो गए ना, हमारे छत पे नल नहीं था, नल लग गया, टीन लगी है और बल्ब लगवाया है, वहाँ पे लाइटिंग फिटिंग नहीं थी, हमेशा बोलते थे लगाएंगे लगाएंगे, आज ही लग गया वो भी। हमारे यहाँ पे ग्रिल लगनी थी, मतलब जिन्होंने घर सेल किया था हमें, उन लोगों ने ग्रिल नहीं लगवाई थी, तो आज ही ग्रिल भी लग रही है, नेट भी लग गया बाहर। मतलब काम होते हैं ना, जो काम होने होते हैं ना वो एकदम से होते, भले पैसा भी जाता है लेकिन ये है कि काम पूरे हो गए। तो आज ही हमारे घर में ढोलक भी आई पापा के लिए, पापा ने मतलब पापा के लिए ढोलक ली, मम्मी ने जो कि शुभ होती है ढोलक लेनी। तो आज सारे काम अच्छे अच्छे हो, तो अभी हम पी रहे हैं चाय, आप भी सीख लो। नमकीन खा रही है, यहाँ पे आ गई है हमारी शाम की चाय विद नमकीन और साथ में है बिस्कुट और फैन, एंजॉय करते अपनी चाय। तो मम्मी शंभू और पापा जा रहे हैं ज्योति के घर, अभी बिटोल ज्योति से मिलने के लिए। शंभू कहाँ जा रहे हो आप, बोलो। ज्योति बुआ के घर कहाँ जा रहे हो, ज्योति बुआ तो बोल दे आगे भाई। हाँ दादा दादी जा रहे हैं, मैं थोड़ी ना जा रही हूँ कहीं, दादू जा रहे हैं, दादू के साथ। अभी दादू रेडी हो रहे हैं ना, फिर जाएंगे। चलो यश, ओके ऐसे बोला करो, ओके मामा बोलो, ओके उंगली दिखाओ, अंगूठा दिखाओ पहले, ऐसे करो, ओके हाई फाई। दीपू को नहीं ले जा रहे, सब देख ले, तेरी वैल्यू बढ़ गई है पैदा होने के बाद। अरे दादा जा रहे हैं भाई, दादा के दादा कोई भाई बोल रहा हो। हाँ यस मारेगी उसकी, नहीं नीचे नीचे गुन्नू के घर जाना, गुन्नू के घर, ज्योति बोलिए एक बार, छिपली दे दी उसने, छिपली को गोश्त खा ली। बाय समू, बाय बाय। तो मम्मी पापा और शंभू गए हुए हैं ज्योति के घर, एक्चुअली ज्योति के घर इसलिए गए हुए हैं, वो वैसे मिलने भी गए हैं। तो हमारे में नहीं होता गढ़वालियों में, बट कुमाऊँ में होता है बिटोई। ये चैत का महीना जो लगता है, यानी जो मार्च का महीना लगता है, चैत लगता है, ये वाले बेटी के घर जाते हैं, कुमाऊँ साइड होता है। हाँ ये रिवाज, बेटी के घर जाते हैं, बेटी की मनपसंद चीज़ें ले जाते हैं, जो बेटी को पसंद होता है, कपड़े भी दे सकते हैं, कई लोग खाली मिठाई लेके जाते हैं, मतलब जो जो अपने उससे दे सकते हैं तो वो देने जाते हैं। तो अभी मम्मी और पापा वही देने के लिए गए हुए हैं ज्योति के घर, क्योंकि अब मार्च का महीना फिनिश हो, पहले मैं सोच रहे थे मैं और ज्योति के भैया जाएंगे, इसीलिए अभी तक इतना वेट हो रखा था। मैं मायके गई हुई थी, क्योंकि फिर मम्मी ने बोला कि मायके से आएगी भाभी, तो भाभी और आएंगे तेरे घर, लेकिन फिर उसके बाद मैं हमने बोला मम्मी पापा को आप ही चले जाओ पिछली बार, क्योंकि हम मिलाए थे, तो आप लोग अब ज्योति से मिलाओ, इसलिए मम्मी और पापा और मैंने बोला शंभू को भी ले जाओ, क्योंकि वो वहाँ खेलता है, अब बड़ा हो गया, अब रह लेता है, तो इसलिए शंभू को भी ले गए हैं पापा और अपने साथ। तो इसलिए वहाँ बिटोई देने के लिए गए, तो मम्मी ने भी खरीदे हैं ज्योति के लिए कपड़े, मिठाई, फ्रूट्स वगैरह यही चीज़ें ले गई, और गुन्नू के लिए भी ले गई है। तो हमारे में भी, हमें नहीं पता था, बट धीरे अब हमने कुमाऊँ में शादी की लड़की की, तो धीरे धीरे हमें भी पता चलने लग गया कि क्या क्या देते हैं, क्या रिवाज होते हैं। तो ये भी एक उनमें रिवाज होता है कि बेटी को बिटोई जाती है चैत के महीने में, यानी मार्च के महीने में जो चैत लगता है, तो उसमें जाती है। यहाँ पे मेन्यू कार्ड देख रहे हैं क्या मंगाना है, तो मम्मी पापा वहाँ गए, तो हमने सोचा हम बाहर ही खा लेते, तो हम तीनों बाहर आए हुए हैं खाने वाले। दीपू ने मंगाया मलाई चाप जो कि आ गया है, सैलड में इन्होंने प्याज रख दिया, चटनी,
गंगा जी ने भूख रख दी है, चटनियाँ पहले रख दी, खाया कुछ नहीं है, अभी खा ली है वैसे, मलाई चाप आया बस। ये है कढ़ाई चिकन, है ना, कढ़ाई चिकन मंगाया इन्होंने अपने लिए। आगे हमारे स्प्रिंग रोल्स चिकन, साथ में ये और कोल्ड ड्रिंक आ गए, आ गए। और ये लास्ट, और लास्ट आइटम आया हमारे फ्राइड फ्राइज। बस एक चीज और रोटी, हाँ रोटी, तुम्हारी रोटी नहीं आई अभी, कैसा हो रहा, खाओ। उन्होंने मंगाई थी बटर रोटी, वो भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो अभी हम भी पहुंच गए हैं घर पे, एंड जैसे जस्ट हम नीचे पहुंचे वैसे शंभू और भी पहुंच गए, पापा मम्मी और सम्मू जी। सम्मू अभी यहाँ पे खा रहा है आइसक्रीम, अभी हमारी फ्रिज में रखी है, अभी नहीं खा रहे, थकान लग गई। तो अभी मम्मी दुकान में गई हुई है कुछ सामान लेने के लिए, रुकी हुई थी, मम्मी नहीं आई, पापा आ गए, गेट बंद कर दिया। तो अभी सब आ गए हैं घर पे। तो गाइस मैं जा रही हूँ मूवी देखने, कर इतनी रात को, कल स्कूल, इनके एक्चुअली स्कूल वाले इनको मूवी दिखाने ले जा रहे, कौन सी है, सावरकर, सावरकर मूवी, वो एक्चुअली देशभक्ति के ऊपर है आई थिंक, कुछ हमने ट्रेलर देखा था तो तब पता चला, तो उसी की मूवी दिखाने के लिए स्कूल में बच्चों को बुलाया, तो कल स्कूल जाने वाली थी। ये देखना मिठाई लेके आ गया काजू, मम्मी मेरे लिए मिठाई लेके आई, ये अपने लिए ले, ये अपने आप उठा के लेके आए, मिठाई खाता बहुत पसंद है उसे काजू कतली, तो बोलो खोल के रखो सारी खाने। पापा कैसे बोलते हैं, बच्चा, बच्चा। दादी कैसे बोलती है, दादी कैसे कर रहा है, कैसे बोलती है, आलू को छोड़, बोलते है ना आलू को छोड़, प्यार से बोल। बस वो तो मारती है, बल बोलती नहीं है। मम्मी कैसे बोलती है, कैसे बोलती मम्मी, आलू बुखारा, कह रहा आलू बुखारा, दादा कैसे बोलते हैं, दादा कैसे बोलते हैं, बंदर, बंदर मामा, दादा कैसे बोलते हैं, जॉनी 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 चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, कुए पकाए, आप खाए थाली, पापा कैसे बुलाते तुझे, बच्चा पापा कैसे बोलते हैं, डम डी डम 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 ड
दादी क्या बोलती है? दादी बस कर। हाय गाइस, हाय गाइस, क्या बोल दो? टेक केयर, बाय गाइस। लगा पोछे, लगा ढंग से साफ करो, क्यों गिरा है पानी? ढंग से पोछो, अच्छे से साफ करो। देखो आपके पैर के नीचे भी पानी है, वहां पे भी साफ करो, करो करो, जल्दी साफ करो। जो गिराता है वही साफ करता है पानी। पानी गिरा दिया, पानी अब लगा रहा पोछा। लगाओ लगाओ और लगाओ, अभी साफ नहीं हो ढंग से। पूरा लगाओ, पूरा लगाओ। हाँ चला गया, अब लगा दिया उसने ऐसे जितना गिराया था। अजीत मामा, अदिति मौसी, अजी मामा, हाँ मौसी, अदिति ती मौसी, नानी और पंकज, नानी नानी का है, शोकू का, शोकू नानी, शोकू उठो, नानी नानी और पंकज, पंकज और नाना, नाना नाना का आ गए आपके। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अच्छे अच्छे कमेंट करना प्लीज, हमें अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।